कि इंडिया नाम एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है, जबकि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का यह कहना है कि इंडिया नाम को हटाया नहीं जाएगा। तो सोशल मीडिया पर सहवाग और ध्रुव राठी का बड़ा ही खतरनाक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रहा है। खुद को हिंदू कहना भी बंद कर दो, क्योंकि हिंदू भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश का दिया हुआ गेम है भाई। कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो, धोती कुर्ता पहनकर खड़े हो, क्योंकि कोट पैंट तो फॉरेनर्स का ड्रेस है। यदि देश का इतना ही चिंता है तो गुटखा जैसे हानिकारक चीजों का प्रचार करना बंद कर दो। सिर्फ देश का चिंता करने से देशभक्ति नहीं होता, देशवासियों का भी चिंता करना जरूरी है। यदि इंडिया नाम को चेंज करके भारत कर दिया जाए तो हमें 14 करोड़ का खर्चा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे ही बातों पर अध्ययन करेंगे कि आखिर क्यों मोदी जी अपनी मनमानी से पूरे देश का नाम ही बदलने जा रहा है, क्या कारण है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो के आखिर तक बने रहे। इंडिया नाम को हमारे देश में इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह जी का कहना है कि इंडिया नाम एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है, जबकि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का यह कहना है कि इंडिया नाम को हटाया नहीं जाएगा। तो फिर क्यों ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है इंडिया और भारत को लेकर, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो के आखिर तक बने रहे। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में इंडिया नाम को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को देखोगे तो सब में इंडिया का ही नाम लिखा हुआ है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे। बहरहाल जैसे इसरो ने हमें चांद पर पहुंचाया, उसका भी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यदि हमारे देश के पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर देखा जाए तो लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और उनके ऊपर लिखा है भारत गणराज्य। एक देश का दो अलग अलग नाम होना ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम चाइना की बात करें तो इसे अलग देशों में चाइना कहकर पुकारा जाता है, लेकिन चाइनीज भाषा में खुद इसे चुंगू बताया जाता है। एक बार सोच कर देखो, जिस इंडिया नाम को सुनते ही हमारा खून खोलता है, जिस इंडिया नाम के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर लड़े हैं, उस नाम को गाली बताया जा रहा है। अब हमारे देश का नाम लोगों को इतना ज्यादा बेकार लगने लगा है कि वीरेंद्र सहवाग जैसे महान क्रिकेटर का भी यह कहना है कि हमें इंडिया नाम अंग्रेजों से मिला है, जिस पर ध्रुव राठी जो कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने बड़ा ही खतरनाक तरीके से सहवाग को ट्रोल किया है। सोशल मीडिया पर सहवाग और ध्रुव राठी का बड़ा ही खतरनाक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रहा है। ध्रुव राठी का सहवाग से कहना है कि यदि आपको लगता है कि इंडिया नाम हमें अंग्रेजों ने दिया है तो खुद को हिंदू कहना भी बंद कर दो, क्योंकि हिंदू भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश का दिया हुआ गेम है भाई। और जिस स्कूल को आपने स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल स्कूल, इसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। और ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो, धोती कुर्ता पहनकर खड़े हो, क्योंकि कोट पैंट तो फॉरेनर्स का ड्रेस है ना। ध्रुव राठी का कहना है कि सहवाग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि देश का इतना ही चिंता है तो गुटखा जैसे हानिकारक चीजों का प्रचार करना बंद कर दो। सिर्फ देश का चिंता करने से देशभक्ति नहीं होता, देशवासियों का भी चिंता करना जरूरी है। ध्रुव राठी ने कहा कि तुम्हें यदि इंडिया नाम से इतना ही नफरत है तो उस पल को याद करो जब तुम इंडिया की जर्सी पहनकर क्रिकेट खेलते थे और जर्सी में बड़ा करके इंडिया लिखा होता था, क्या तब तुम्हें इंडिया नाम से नफरत नहीं था? जब तुम ग्राउंड में छक्के चौके लगाते थे और दर्शक इंडिया इंडिया कहकर चिल्लाते थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आता था? यदि तब भी तुम्हें शर्म आता था तो मत नाम लो इंडिया का, आप भारत ही इस्तेमाल करो इंडिया की जगह। लेकिन यदि बुरा नहीं लगता था तो क्या जरूरत है इंडिया नाम के खिलाफ नफरत फैलाने की? बहरहाल चाहे वो इंडिया हो या भारत हो या हिंदुस्तान हो, सब हमारे लिए एक है और कोई नाम एक दूसरे से बढ़कर नहीं। बस यही कारण है कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, और हम कहते हैं आई लव माय इंडिया। एक सच्चा भारतीय कभी भी इन नामों को लेकर कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ेगा और ना ही किसी नाम को बदनाम करेगा। तो गाइस, ध्रुव राठी के इस सोच पर आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की जय, आई लव माई इंडिया, और कुछ इसी प्रकार आगे बढ़ेगा इंडिया।